Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Make sure to give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. So in this video I'm going to teach you Eid Mubarak photo editing in Pixar. So let's jump into the video. So first of all, you have to add this background in Pixar. Then go to tools option and go to crop and select 3:4 वाला करना है पहले आप लोगों ने सेलेक्ट फिर उसको ऐसे करके फिर उसको फिर क्लिक करना है फिर नीचे जाना थोड़ा सा फिर यहाँ पे इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट होगा इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर मुझे ठीक लग गया बिल्कुल तो मैं इसको टिक करके फिर मैं जाऊँगा ऐड फोटो में देन ऐड जो मॉडल पिक्चर मैंने जैन भाई की पिक्चर ली है ज़ैनुल अबदीन मैंने उनकी पिक्चर ली थी तो क्योंकि मैं अपनी ले रहा था तो नेटवर्क खेड आ गया था तो फिर मैंने सारी वीडियो चेंज की अपना मॉडल को बिल्कुल बीच में ऐड कर लेना जो आपका मॉडल होगा फिर आपने उस पर कर लेनी है ऐड ईद मुबारक टेक्स्ट पीएनजी है ये इसको कुछ इस तरीके का रख लेना कर लें ज़रा मैं ज़रा एडजस्ट कर ले ऊपर वाला जो डॉट है उसको थोड़ा सा नीचे करके इसको थोड़ा सा ना थिन करके थोड़ा और कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा थिन थिन करके तो देखें कितना को अच्छा लुक दे रहा है फिर जाना है ऐड फोटो में जाकर आप लोगों ने ये पिजन्स के पीएनजी हैं तो इसको ये जो एक ब्लैक वाला इसको लेफ्ट हैंड साइड के नीचे वाले कॉर्नर पे एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से फिर जो ये वाला है इस तरह को इस वाले को राइट हैंड साइड के नीचे वाले कॉर्नर पे एडजस्ट कर लेना है देन ये जो एक ये जो है मुड़ा हुआ है थोड़ा सा इसको लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से और राइट हैंड साइड के इस वाले को राइट हैंड साइड के इस कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है इसको एडजस्ट करके फिर आपने इसको कर देना है टिक टिक करके फिर जाना है ऐड फोटो में छोटी सी वीडियो क्योंकि यहाँ इसको बनाना बहुत इजी है आपके लिए भी ये कुछ लाइट पीएनजी है इसको आपने कुछ मस्जिद के जो ये दो गुंबद हैं इनके पास लेके जाना है ठीक है फिर जाना है ब्लेंडिंग मोड पर जाकर आपने जाना है ओवरले पर जाकर ये कुछ सन जा टाइप देगा आपको फील तो आपने अपने मॉडल के ऊपर से ये हटा लेना जो लाइट आ रही है ये जो सन की इसको मॉडल के ऊपर से हटा लेना देन आपने फिर वैसे का ही ऐड फोटो पर जाकर वैसे का ही ऐड कर लेना है एक और यहाँ पर मैंने हटा लिया फिर मैं इसको टिक कर लूँगा एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरीके से कि ताकि गुंबद पे आए एक पे फिर हम सेकंड जब ऐड करें तो दूसरे गुंबद पे भी आए अब ये वाले को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है पहले वाले को राइट हैंड साइड पर रखा था इसको भी वही करके सेम प्रोसीजर है जाना है ब्लेंडिंग मोड में ब्लेंडिंग मोड पर जाकर इसको पहले आपने इरेज कर लेना है फिर जाना है ब्लेंडिंग मोड पर पहले इरेज कर लेता हूँ मैं इरेज कर लिया अपने मॉडल के फेस के ऊपर से फिर इसको इस तरीके का लेकर जाकर ब्लेंडिंग मोड इसका नाम भी आप करें तो कोई नहीं टिक कर दिया मैंने फिर ऐड फोटो पर जाना है ऐड फोटो पर जाकर आपने अब अगर आप चाहें तो आप वो लाइट जो पीएनजी उसको बिल्कुल बढ़ा करके उसको आप ब्लेंडिंग मोड कर लें क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं दे रहा था फिर आपने जाना टूल पर जाकर एडजस्ट पर जाना है एडजस्ट पर जाकर ब्राइटनेस को कर देना है 15% पे 15% पर करके टेम्परेचर को -10 पे कर देना है और फिर टिक कर देना है टिक करके तो देखिए यहाँ पर कोई हमारा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि जो हमारा मॉडल उस पर ज़्यादा है ब्राइटनेस फिर से हम जाएंगे एडजस्ट वाले ऑप्शन पर सॉरी गलती से क्रॉप क्लिक हो गया था एडजस्ट वाले ऑप्शन पर जाऊँगा ब्राइटनेस को कर देंगे 15% के आसपास और टेम्परेचर को कर देंगे -10 के आसपास तो इसको करके यहाँ पर हमने जाना है इरेज वाले ऑप्शन पे फिर इन्वर्ट पे क्लिक करके रीस्टोर पर जाकर हार्डनेस कम करके साइज़ अपने हिसाब से कर लेना और इसको कुछ इस तरीके से करके बैक कर लेना अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ आपको चाहिए ना क्या नाम होता है यार ब्राइटनेस वहाँ आप क्लिक करके कर लेना यहाँ पर मेरा हो गया है तो मैं इसको अब टिक कर लूँगा यहाँ पे पिक्चर हमारी ऑलमोस्ट रेडी है अब आपने जाना है टेक्स्ट पे टेक्स्ट पर जाकर आपने लिख लें उर्दू फॉन्ट में चल जाना है ये उर्दू कर लेना अपने सेटिंग में जाके यहाँ पे आप लिख लेना अल्लाह ताला पहले अल्लाह लिख लेना तो पहले मैं वो लिख के फिर आपने कलर इसका कर देना है ब्लैक ब्लैक कलर करके तो यहाँ पर ब्लैक है फिर हम जाएंगे ब्लेंडिंग मोड में ब्लेंडिंग मोड पर जाकर हम कर देंगे ओवरले ओवरले करेंगे तो कुछ इस तरीके का देगा फिर स्ट्रोक्स पर जाके हल्की सी स्ट्रोक्स बनाएंगे बस और फिर हम जाएंगे टेक्स्ट वाले पीएनजी पे फिर हम लिखेंगे तोला
तो यहाँ पे अल्लाह तआला लिखा जाएगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लगेगी वीडियो पिक्चर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम को में फॉलो कर लेना, फेसबुक को में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टिकटॉक का भी आईडी में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी कर लेना फॉलो। तो बस यहाँ पर अब इसका भी सेम वही प्रोसीजर है, कलर पर जाकर ब्लैक कर लेना है कलर, फिर जाना है ब्लेंडिंग मोड में, ब्लेंडिंग मोड पर जाके ओवरले कर लेना है, और फिर जाना है स्ट्रोक्स पे, स्ट्रोक्स पे जाके थोड़ी सी स्ट्रोक्स बढ़ा लेनी है, और यहाँ पे हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सारे इंस्टाग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन